the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so namaskar adab sasri kal dos to ek bar phir, aap swagat hai. और हम बात करेंगे आज वैक्सीन के कॉन्ट्रीवर्सीज़ के बारे में कि भैया हमने वैक्सीन बचपन में लगानी कि नहीं लगानी कोरोना की वैक्सीन बड़े हो लगानी कि नहीं लगानी कोविड की वैक्सीन में किसी के कोई चिप घुसी है कि नहीं घुसी है और कोई को, को, किसी एक दूसरी तीसरी चौथी वैक्सीन से कोई इन्फेक्शन होता है कोई शरीर ख़राब होता है कि आपके बच्चे पैरना करने की क्षमताएं ख़त्म हो जाती है कि आप आगे चल के नपुंसक हो जाते हैं कि आप को कुछ नहीं होता इन सारी बातों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे वार्तालाप करेंगे ये सब जो बातें आप इंटरनेट पे सुनते हैं इसके कहते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ कॉन्ट्रोवर्सीज़ बहुत सारी हैं जो कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स पे बात की जाती है कि भैया एक बार आपने वैक्सीन लगा ली फिर तो आपका आ, बेड़ा गर्क है और वैक्सीन जो है वो आपके आपको नस्त नाबूत यानी तबाह करने के लिए बनाई जाती है ऐसी बातचीत आपको दुनिया में देखने को मिलेगी बट एक्चुअल में कुछ और ही सच्चाई होती है और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ऐसे तथ्यों के वजह से ऐसे लोगों के वजह से जो बीमारियाँ बड़ी मुश्किलों से बड़ी मुद्दतों से जो वैक्सीनेशन कर करके ख़त्म की जा चुकी हैं वो भी वापस आ सकती हैं बल्कि आती हुए दिख भी रही हैं कई सारी ऐसी बीमारियाँ इसलिए जरूरी है कि आप सबको ये जानकारी प्राप्त हो कि वैक्सीन ज़रूरी है अच्छी है या नहीं वटेवर उसके पीछे की सच्चाई उसके फैक्ट क्या है उसके पीछे मिथ क्या है थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए और भैया सबको जानकारी होनी चाहिए तो अगर आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो कृपया 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 इस वीडियो को धुआंधार तरीके से शेयर करें सो so, वैक्सीन के बारे में आज मिथ देखेंगे फैक्ट देखेंगे सच्चाई देखेंगे वैक्सीन होती क्या है वैक्सीन जो है आपके एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी के लिए वैक्सीन बनती है कॉमन कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई जाती है ऐसी बीमारी के लिए जो आपकी जान ले सकती है ऐसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाई जाती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है बाय बूस्टिंग योर नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स टू दैट डिजीज या तो वायरस से या बैक्टीरिया से होने वाली वो बीमारी आपके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए वैक्सीन दी जाती है सो so, वैक्सीन एक तरीके के आपके शरीर को रेडी करता है उस प्रकार के जंतु से लड़ने के लिए ठीक है so, सो वैक्सीन जो है ये कितनी बार क्योंकि देखो ऐसा है वी आर गिविंग सम पार्ट ऑफ दैट बैक्टीरिया और दैट वायरस कोई एक हिस्सा कोई एक मरा हुआ वायरस वा 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 या मरा हुआ बैक्टीरिया मरा हुआ बैक्टीरिया का हाथ पैर एक आधा कोई कोई प्रोटीन पार्ट वो आपके शरीर में डाला जाता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम उस फॉरेन बॉडी को रिकोगनाइज़ करे और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लें ताकि जब भी आगे चल के कोई और वो बैक्टीरिया वो वायरस आता है जिसके अंदर वो हाथ पैर है तो उसको रिकोगनाइज़ करके उसको मार दिया जाता है यही बेसिक होता है एक वायरल या बैक्टीरियल वैक्सीन के बारे में अब इसके हिसाब से क्या होगा कि ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है ऑब्वियसली जब आपके अंदर हम कोई ऐसा चीज़ डाल रहे हैं जो फॉरेन है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कुछ रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा सो वैक्सीन कैन कैन प्रोड्यूस सम इफेक्ट लाइक कुछ फीवर थोड़ा मैलेस थोड़ा बॉडी एक दैट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स जब आपके शरीर में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा जब भी कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एक इम्यून रिस्पॉन्स आता है दैट इज नॉर्मल और वो अच्छा है उस समय बिकॉज दैट प्रूव कि वैक्सीन काम कर रहा है इसीलिए कोरोना वैक्सीन में भी आपको बुखार थोड़ा बहुत आ सकता है और बच्चों को भी बचपन में लगाई गई वैक्सीन से एक आध दिन के लिए दो दिन के लिए कभी कभी सिम्टम्स आ सकते हैं तो वैक्सीन जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है बात क्लियर साइड इफेक्ट्स कर सकती है बात क्लियर लेकिन एक खतरनाक बीमारी से होने वाली बीमारी से बचने के लिए उसको बनाया जाता है ताकि एक आध दो दिन के बुखार से आप मेजर बीमारी से बच सकें ठीक है दैट इज हाउ इट इज और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पांच वैक्सीन मिथ के बारे में कंट्रोवर्सीज के बारे में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सबसे बड़ा मिथ है लोग बोलते हैं कि वैक्सीन के अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं गलत चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे याद रखिए ज्यादा मात्रा में नमक भी नुकसान पहुंचाता है पानी भी नुकसान पहुंचाता है और वैक्सीन जो है उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो सेफली एडमिनिस्टर किए जाते हैं किसी भी सब्सटेंस को हाई डोज में दोगे तो वो नुकसान कर सकता है इवन पानी इवन वाटर आपके शरीर में हाई डोज में डालें तो दिक्कत हो सकती है एक वैक्सीन को सेफ रहने के लिए नेचुरली उसको सेफ रहने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए जाती है कि इसको इतने टेम्परेचर पर रखना है इसको इतने इत, खोल दिया तो इतने देर के अंदर अंदर लगाना है यहां लगाना है उनमें कोई भी जगह गलती होती है ह्यूमन मिस्टेक होती है होती है तो फिर उसके या तो इफेक्ट कम हो सकता है या साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं मगर एनी वेज द मैक्सिमम साइड इफेक्ट कैन बी अ एलर्जिक रिएक्शन ऑब्वियसली एलर्जिक रिएक्शन किसी से भी हो सकता है कुछ तरीके के वैक्सीन्स uh, जो uh, जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते थे जिसमें uh, मान लीजिए नेचुरली एक्सपोज होते हैं आप किसी चीज़ों से जैसे कि uh, कोई, uh, कोई 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 केमिकल है कोई मेटल है ऐसे इंग्रेडिएंट हो कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट हो तब जाके वो हम हार्मफुल मान सकते हैं ऐसे अगर देखोगे तो कुछ वैक्सीन्स के प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल किए जाने आ, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसका नाम केमिकल नाम थेमरोसल जिसके अंदर कुछ कुछ मल्टी जिस जो हल्का फुल्का जिसमें मर्क्यूरी भी है ये मर्क्यूरी इतना हल्का फुल्का है कि दूध में भी इतना मरक्यूरी पाया जाता है सो so, दूध पीने से थोड़ी इंसान मर जाता है सी फूड में पाया जाता है कॉन्टेंस कॉन्टेक्ट लेस लेंस के सोलूशन में पाया जाता है सो so, ये वाले कुछ वैक्सीन्स में होता है नॉट ऑल स्टिल द वैक्सीन इज सेफ अब बात करें हम ये कि कितना सेफ और सेफ्टी और बेनिफिट रिस्क बेनिफिट का रेशियो देखा जाता है पहला चीज वैक्सीन हैज साइड इफेक्ट बट इट इज सेफर इफ यू कंपेयर इट विथ द डिजीज और उसको वहीं दिया जाता है जहां डिजीज का रिस्क हो अननेसेसरी नहीं आ नहीं दिया जाता ठीक है कि भाई मैं को मलेरिया का रिस्क नहीं है तो मैं मलेरिया की वैक्सीन ले रहा हूं नहीं बाहर के लोग आते हैं इंडिया में लेने से आने से पहले मलेरिया की वैक्सीन लेते हैं राइट इंडिया वाले रहते रहते नहीं लेते हमको तो हो ही गई भगवान मालिक है ऐसा है एनी <laughs> अब दूसरा मिथ है वैक्सीन की वजह से बच्चों के अंदर ऑटिज्म हो रहा है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो रहा है ये एक गलत बात है गलत बात क्यों क्योंकि इसको कई बार रिसर्च से प्रूव किया वैक्सीन आर वेरी सेफ मोस्ट वैक्सीन के अंदर एक आधे दिन का साइड इफेक्ट होता है फीवर सोराम दिक्कत थोड़ा बहुत दर्द और कुछ नहीं राइट एक ऑटिज्म होना इज वेरी वेरी यू नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वैक्सीन आपको किसी प्रकार का पैरालिसिस किसी प्रकार की परमानेंट बीमारियां नहीं कर सकता सो so, ये वाली जो एक स्टडीज़ uh, है इसको कई बार कई बार सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम वैक्सीन कई बार कई बार, कई रिसर्च से डिसप्रूव किया गया है फिर एक uh, आता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस जो है जो आप प्रिवेंट करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो आपके आपको होनी चाहिए यह एक पार्ट है आपके बचपन का चाइल्डहुड का इट इज बेटर टू हैव दो डिजीजेज एंड बी बिकम इम्यून बाय हैविंग द डिजीज देन थ्रू द वैक्सीन ये गलत है हम लाइक आई सेड वैक्सीन बनाई जाती है पोलियो जैसी बीमारी के लिए जिसको होने के बाद लोगों के पैरों के देखा है आपने पोलियो वाले पेशेंट अगर तो आपको पता है हम क्या बोल रहे हैं वैक्सीन बनाई जाती है मीजिय मीजल्स से जिससे कितने बच्चे जो है पहले मर जाते थे ऐसी चीजों के लिए वैक्सीन बनाई जाती है जिससे बहुत सारे हजारों में बच्चे पहले मरते थे अब बच्चे नहीं मरते अब बिकॉज ऑफ द वैक्सीन दैट इज देयर मगर पीपल डोंट एप्रिशिएट सो याद रखिए हैविंग द डिजीज इज नॉट अ बेटर ऑप्शन इफ यू वॉन्ट यू कैन कंपेयर द स्टैटिस्टिक्स फॉर दैट फिर फोर्थ मिथ आता है अगर आप लोग बोलते हैं आई डोंट नीड टू वैक्सीनेट माई सेल्फ बिकॉज जितने भी लोग हैं आसपास ऑल अदर चिल्ड्रन अराउंड हिम आर ऑलरेडी इम्यून राइट इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी तो सबने ले लिया है तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है ये एक एक सही बात है जो एक सही बात है पार्शली जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं लेकिन एक आप अगर नहीं लेते हो और ऐसे ही दस लोग और सोचते हैं कि हम भी नहीं लेंगे हम भी नहीं लेंगे हम भी नहीं लेंगे या एक एक आउटब्रेक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर ऐसे ही लोग थिंकिंग करने लगे सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर्ड इम्यूनिटी कैन प्रोटेक्ट यू बट इट इज पॉसिबल दैट द डिजीज कैन री अकर सो ऐसी बीमारियों को जब इरेडिकेट करना है पोलियो जैसी बीमारी को खत्म करना है तो हर इंसान हर बच्चे का वैक्सीनेशन होना जरूरी है ठीक है और दूसरा चीज लोग ये भी सोचते हैं एक बड़ा मिथ है कि वैक्सीन के थ्रू आप एक्चुअल में बीमारी आपको हो जाए जैसे कोरोना वैक्सीन क्या कोरोना वैक्सीन लेने से आपको कोविड नाइन्टीन बीमारी हो जाएगी बहुत बड़ा सवाल नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वैक्सीन कैन नॉट कॉज द कंप्लीट डिजीज इट इज इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनलाइकली ठीक है ना ये वो बात हो गई कि खुली सड़क पे अकेले खड़ा आदमी क्या उसका एक्सीडेंट हो सकता है भाई इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं बट क्या होगा <laughs> सोच के देखो दैट्स हाउ दिस खुली सड़क का कोई कोई अगर काई है दूर दूर तक फिर भी क्या उसका एक्सीडेंट हो सकता है भाई वो तो सब कुछ सकता है ऐसी तो बात ही नहीं है है कि नहीं बिजली गिर जाए कुछ हो जाए मर सकता है मर सकता है सो दैट्स हाउ दैट्स हाउ रेयर इट इज सो मोस्ट वैक्सीन आर इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन या और एक पर्टिकुलर पार्ट part है छोटा सा हिस्सा है उस वायरस का बैक्टीरिया इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल कि आपके आ, आपको वो वैक्सीन के वजह से कोई पूरी बीमारी हो सकती हाँ यू माइट हैव जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन थी वो बहुत वो वैक्सीन के वजह से लोगों को एक दो रैश आ सकते हैं चिकन पॉक्स में क्या पूरा भर जाता है आपको एक दो रैश आ सकता मेरे को दो रैश आ गए मेरे को चार मेरे को चिकन पॉक्स हो गया नहीं दैट्स हाउ दिस इज़ नॉट हार्मफुल दिस इज हाउ योर मेन चिकन पॉक्स लाइक बीमारी खतरनाक बीमारी आपसे प्रिवेंट हो रहे हैं आपको नॉलेज नहीं है आपको समझाया नहीं गया आपके डॉक्टर ने नहीं बताया गलती कहीं ना कहीं है नॉलेज की सो नॉलेज लीजिए पोलियो वैक्सीन और दूसरी कई सारी वैक्सीन हैं जो इंपॉर्टेंट है राइट right? और वैक्सीन से बीमारी होने के चांसेस एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल आ जाएगा सो दैट्स हाउ गलत और वैक्सीन के अंदर किसी प्रकार की कोई चिप नहीं है कोई कोई गलत तरीके की चीज़ है वही इंजेक्शन है उसमें एक दवा है दवा को मसल में डाल रहे हैं कहाँ से चिप आएगी उसमें सुई के अंदर कहाँ से चिप जाएंगे इतनी माइक्रो चिप वही नैनो नैनो टेक्नोलॉजी ज़्यादा पिक्चर देख लिया आपने ऐसा कुछ ना होता दुनिया में अभी तक तो नहीं है और आगे चल के होगा भी तो का करेंगे वो करके ऐसा कुछ ना हो रहा प्लीज़ अंडरस्टैंड डोंट फॉल इंटू कॉन्ट्रोवर्सीज इट इज़ नॉट ट्रू सो वैक्सीन लगवाइए हाथ जोड़ के बिनती है जो नहीं लगवाते अपने बच्चों को आपके हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है हम यहाँ आपके लिए रिसर्च करते हैं कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करें थैंक यू